बॉलीवुड से जुड़ी क्या है आज की बड़ी खबरें, कौन सी स्टोरीज कर रही है ट्रेंड, किसने किस पर निशाना साधा, कौन बना कंट्रोवर्सी का शिकार, बताएंगे आपको एक ही वीडियो में आज की टॉप बॉलीवुड न्यूज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्म सर्कल और मैं हूं फिल्मी विंदिया। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, फैमिली, फ्रेंड्स और उन सबको आज न्याय की उम्मीद मिल गई है, जो लंबे समय से उनके डेथ केस में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इस केस में पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग वाली रिया चक्रवर्ती की प्ली पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस की जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सुशांत एक टैलेंटेड एक्टर थे और इस केस में निष्पक्ष जांच की जरूरत है। सुशांत केस में कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने रिया चक्रवर्ती को लेकर कहा कि उनकी औकात नहीं है कि वो बिहार के सीएम पर टिप्पणी करे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब खिंचाई की जा रही है। सुशांत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। विपक्ष के नेताओं के अलावा कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। पवित्र रिश्ता मेंटल अवेयरनेस फंड और उसके पोस्टर में सुशांत की फोटो का इस्तेमाल किए जाने को लेकर एकता कपूर को जमकर ट्रोल किया जा रहा है, जिसके बाद एकता ने सफाई दी है और कहा है कि वो खुद को इस फंड से पूरी तरह से अलग करती हैं। नेपोटिज्म को लेकर कंगना रनौत ने अब नसीरुद्दीन शाह पर निशाना साधा है। दरअसल नसीरुद्दीन शाह ने नेपोटिज्म पर हो रही बहस में रिएक्ट करते हुए कंगना को हाफ एजुकेटेड कह दिया था, जिसके बाद कंगना ने पलटवार करते हुए ट्वीट में लिखा, धन्यवाद नसीर जी, आपने मेरे सारे अवार्ड्स और सफलताओं को तोला, जिसमें नेपोटिज्म कुछ भी नहीं। मैं इन सब चीजों की आदि हो चुकी हूँ, लेकिन क्या आप मुझे तब भी यही कहते अगर मैं अनिल कपूर या प्रकाश पादुकोण की बेटी होती। बॉबी देओल एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज आश्रम के साथ अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं, लेकिन रिलीज से पहले ही ये वेब सीरीज विवादों में घिर गई है। ट्विटर इंडिया पर बैन आश्रम वेब सीरीज ट्रेंड कर रहा है और लोग इस सीरीज को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताकर बैन करने की मांग कर रहे हैं। इस वेब सीरीज के ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक काल्पनिक किरदार बाबा निराला काशीपुर वाला, उनके पास एक बड़ा आश्रम है और उसकी पहुँच राजनेताओं तक है। वह लोगों को सीधे मोक्ष दिलाने का दावा करता है। इस बीच 9 महिलाएं गायब हो जाती हैं, इसका शक बाबा के ऊपर जाता है। बाबा के आश्रम में महिलाओं को बंदी बनाकर भी रखा जाता है। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल फिल्म सर्कल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी बड़ी खबर हो आप तक पहुँचाएगा फिल्म सर्कल इसी वीडियो के जरिए। अपना ध्यान रखें, बाय बाय।